formation in convex lens view. इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस, आपका पूरा रिकॉल हो जाएगा मिरर वाला भी. यह स्लेस के आंसर नहीं है क्लास. अभी तक तो हमें इमेज बनाई नहीं है. हम तो क्या मान रहे हैं, इमेज ऑब्जेक्ट को पॉइंट मान के चल रहे हैं. ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं तक मतलब ढंग से, तो कि ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे भी. समझ में आया कि नहीं आया? तो कॉन्वेक्स लेंस इसकी देखो, पहला पॉइंट बनाइएगा. फर्स्ट पॉइंट लिख दो जल्दी से जल्दी से. फर्स्ट पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन. देखो भाई, आपकी जो टेंथ क्लास की बुक में था कैसे लिखता था, इसको लिखा था ऑप्टिकल सेंटर O. ये F1 था अभी, याद है? Yes, इसका डबल था 2F1. एक्चुअली सी है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहाँ पे थे F2, यहाँ पे था 2F2. कुछ याद है? टेंथ yes, क्लास में ये डबल था इसका, तो 2F2 कौन लिख दिया मैंने. करो सी एक्चुअल में सेंटर ऑफ कर्वेचर में कर लोगे. पहला केस लिखिए व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन ओ एंड एफ वन. पहला केस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए? ओ और एफ वन के बीच में रखा जाए. भी यहाँ पे भी, यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट ए बी. ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग पहली बीम्स पास करवाइए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी. तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस भी. तीन रूल हैं, कोई दो लगाओ, मर्जी तुम्हारी, कर लोगे. सेकंड भी मैं पास करवा देता हूँ ऑप्टिकल सेंटर से ही, स्ट्रेट निकल जाएगी. पीछे मिलाओगे तो आगे मिलेंगे नहीं कहीं, तो पीछे मिलाओ भी. यहाँ पे क्या बनेगी? ए डैश. यहाँ पे क्या बनेगी? बी डैश. समझ में आया? यस सर ना? इसका मेन पॉइंट इमेज कहाँ बनेगी? 2F1 से परे बनेगी, 2F1 से परे. कैसी होगी? रियल होगी, वर्चुअल होगी? वर्चुअल. स्मॉल की बिग? बिग. सही है. सीधी की उल्टी? सीधी. बना लोगे? अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया जाए? फोकस में रख दिया जाए, F1 भी. देख लीजिए, When object placed at F1 भी, object placed at F1. अगर ऑब्जेक्ट को F1 पे रखूं तो क्या होगा? ये F1 है भी, ये 2F1, इट इज F2. ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया भी, ऑब्जेक्ट ए बी. पहली बीम गई है ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्लास. रूल्स के अकॉर्डिंग कहाँ से पास करेगी? फोकस से. सेकंड, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाइए, पैरेलल बीम आएंगे भी. ठीक है, और पैरेलल बीम कहीं नहीं मिलती भी. क्या बोलते हैं, कहाँ मिलती हैं? इन्फिनिटी में मिलेंगे जाके भी. सही है यस सर. इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे. सीधी की उल्टी? रियल की वर्चुअल? रियल. रियल बनती है सब. एक ही केस में वर्चुअल बनती है सर इमेजेस. कौन से केस में? F और इसके बीच में. बाकी सारी क्या बनती हैं? रियल. हाईली मैग्नीफाइड भी. सबसे बड़ी इमेज यही बनती है. कर लोगे? यस सर ना? हो जाएगा. रियल है तो क्या होगा? ऐसा है, कहाँ रखें भी? इन बिटवीन F1 एंड 2F1. जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी. कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में? आप एयरफोर्स का दोगे या उसके और से और दोगे? जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होंगे वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है लेंस से एक टॉपिक का भी, कि इमेज को यहाँ पर रखें तो नेचर क्या हुआ, कहाँ बनेंगे इमेजेस भी. ऑप्शन दिए होते हैं वहाँ पे. चार, ठीक है. देखिए, ये F1 अभी, ये 2F1 सही है, इट इज F2, 2F2. ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा गया क्लास, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी. बीम गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बातें नहीं. रूल के अकॉर्डिंग कहाँ से पास करेगी? फोकस से. सही है, एक पास करवा दो ऑप्टिकल सेंटर से भी. यहाँ पे क्या बनेगी? इमेज ए डैश बी डैश.
पहले बना दी, पर मेरा दी होगी ना। हाँ लाइन तो मिला नहीं है, कितने मिला दो याद होने से उस पॉइंट को, उसमें कहाँ बनी थी मैच ज़्यादा सी से परे बनी थी। इसका सी तो कौन है, टू एफ टू है ना। अगर आपको लेंस मिरर याद हैं तो बिल्कुल इजीली बना पाओगे यहाँ से इमेज से। हो गया, कैसी इमेज है, रियल है, उल्टी है, मैग्नीफाइड है, बिल्कुल है, कहाँ बनेगी, टू एफ टू से परे बनेंगे भी, टू एफ टू से परे बनेगी। यस सर ना, लिखिए एट टू एफ वन, कहाँ पर रखा जाए, एट टू एफ वन, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट टू एफ वन। तो ये अकेला केस था भाई, याद है कहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मिरर में, सी पे, सी पे ही बनेगी। पहले बना ही लेते हैं, सेम साइज की बनेगी, देखो तरीका क्या बनाने का, इमेज इक्वल डिस्टेंस पे बनेंगी, जरूरी नहीं क्योंकि ये अलग अलग रेडियस हो सकते हैं, कर लोगे, लेकिन साइज सेम बनेगा भाई, ये पक्का है। एक बीम से यहाँ से पास करवाओ, इनको मिला दो भाई, दूसरी यहाँ से हटा लिया और मार दी लाइन। अब ये क्या कहाँ से पास करेगी, F2 से, ये कितना होगा 2F2, यहाँ पे कितना होगा F1, ये कितना होगा 2F1, ये कितना होगा। एग्जाम में कैसे बनाते हैं डायग्राम से, पॉइंट बाद में लगाइएगा, पहले डायग्राम बनाइएगा। समझ में आया, यस सर ना, एक मिनट में डायग्राम बन जाएगा, एक मिनट में लगेगी, एक मिनट ज़्यादा होगी वैसे। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो, अगर नहीं पता तो बन नहीं सकता है, हमको कैसे बना लो भाई, फिर तो स्केल लो, पेंसिल लो, कुछ भी लो तुम लोग, सही है। ओके अभी कैसी बनेगी, रियल की वर्चुअल है, रियल है, सीधी की उल्टी, उल्टी, साइज सेम रहेगा, कहाँ बनेगा, टू एफ टू पे, टू एफ टू पे बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा, कहाँ रखें भाई, पांचवा पॉइंट है बियॉन्ड टू एफ वन, कहाँ रखें, बियॉन्ड टू एफ वन, अगर टू एफ वन से परे रख दिया जाए तो क्या होगा, इट इज ओ, इट इज एफ वन, इट इज टू एफ वन। ऑब्जेक्ट को रखा जाए बियॉन्ड टू एफ वन, बियॉन्ड ए टू एफ वन, यहां पर रखा ऑब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट ए बी, बीम गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी, एफ टू था ये, टू एफ टू पास करेगी एफ टू से भी, सही है। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाइए, यहाँ बनेगा इमेज, इट इज ए डैश बी डैश, इसको मिटा दो, पॉइंट डालिए क्लास। यस भाई, लास्ट पॉइंट था इमेज फॉर्मेशंस इन कॉन्वेक्स लेंस भी, सिक्स पॉइंट है, एट इन्फिनिटी कहाँ रखा जाए ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे रखा जाए तो क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाएगा, जरूरी नहीं है बीम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगे, ओके, हो भी सकती हैं, कोई कंडीशन नहीं है, कर लोगे, बातें नहीं करनी अभी, बीम्स आ रही हैं अभी, ये एफ वन, इट इज टू एफ वन, ये समझ में आते हैं आपको, एफ टू, इट इज टू एफ टू, बीम्स आ रही हैं, ये लेंस की प्रॉपर्टी है कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी भी, तो बीम्स को कन्वर्ज करेगा, एक यहाँ से पास करवा देता हूँ ऑप्टिकल सेंटर से ही, ये तो हो सकता है, बीम ऐसे आ सकते हैं पैरेलल्स, ठीक है, जो ये ऐसे पास करेगी स्टेट चली जाएगी रूल्स के अकॉर्डिंग भी, सेकंड डाइवर्ज होगी, सॉरी कन्वर्ज होगी भी, और फोकस पे क्या बनेगी, इमेज ए डैश बी डैश। अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है अभी, ओके, नेचर क्या रखा है इमेज का, रियल होगी कि वर्चुअल होगी भी, रियल इमेज होगी, स्मॉल इन साइज और बिग इन साइज भी,
स्मॉल इन साइज भी बना लिया ना। नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा अभी, सेकेंड है इमेज इन कॉनकेव लेंस भी, किसमें करना है आपको? कॉनकेव लेंस के अंदर भी। कॉनकेव लेंस में एक ही केस बनता है क्लास, जिस तरह से कॉन्वेक्स मिरर में बना था अभी। कॉनकेव लेंस किस तरह का लेंस है? अभी डाइवर्जिंग लेंस है अभी, यस सर ना। ये ऑप्टिकल सेंटर को मैं ओ मान लेता हूँ, एफ वन इट इज टू एफ वन, सेकेंड भी एफ टू इट इज टू एफ टू भी, कहीं पर रखिए ऑब्जेक्ट्स को भी, क्या होगा? ऑब्जेक्ट ए बी, एक बीम जाएगी ऐसे भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी है इसके पास, क्या कर जाएगा? डाइवर्ज कर जाएगी, यस आर नो। सेकंड भी ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाइए, इसमें सिंपल मोड चली जाएगी बिना मोड़े हुए भी, यस आर नो। ये भी हम कहीं नहीं मिलने वाली भी, लेकिन अगर इसको पीछे मिला जाए, इट अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट भी हो जाएगा, तो हमें क्या बनना है? अगर देखो सिंपल है, अगर यहाँ से लाइन जाएगी तो क्या होगा? इट अपीयर टू पास थ्रू फोकस, रूल्स के अकॉर्डिंग भी, यस और नो। इट अपीयर टू पास थ्रू फोकस भी, तो यहाँ मिल रही है ना, तब क्या बनना है? इमेज ए बी, सॉरी ए डैश बी डैश, बना पाओगे? अगर बीम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट अपीयर टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस भी, रूल यूज कर रहे हैं सिर्फ, ये टेंथ के टॉपिक है अभी क्लास, इसलिए करवाएं कि नेक्स्ट टॉपिक इन पे बनते हैं सारे। वैसे तो सेम इमेजेस बनते हैं जो मिरर में बन रही हैं ऐसे ही केसेस के अंदर, हो जाएगा। कैसे लिखोगे प्रॉपर उसमें, सॉरी क्या था? नेचर ऑफ इमेजेस के अंदर पहला रियल है कि वर्चुअल है? इट इज अ वर्चुअल इमेज भाई, स्मॉल इन साइज, यस और नो। इरेक्ट इमेज कहाँ बन रही है? ओ एंड एफ वन के बीच में भी। लेंस फार्मूला फोर, कॉन्वेक्स लेंस, लेंस फार्मूला फोर कॉन्वेक्स लेंस, जिस तरह से मिरर फार्मूला किया था उसी तरीके से लेंस फार्मूला भी। एक लेंस फार्मूला एक लेंस मेकर फार्मूला, दोनों में डिफरेंस है भी क्लास, ओके। लेंस फार्मूला रिलेशन है यूवीआर का भी, यूवीएफ का, सॉरी UVF का, और लेंस मेकर फार्मूला ऑफ रिलेशन है UVR विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंसेज भी, यस आर नो, याद है कि नहीं है? तो वन बाई माइनस वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू वन बाई आर भी, यही था आर तक, वहाँ में आर तक वन बाई आर था, वन बाई आर। तो लेंस फार्मूला दो तरह के इमेजेस बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस भी रियल और वर्चुअल इमेज भी। पहला करते हैं फॉर रियल इमेज भी, रियल इमेज के लिए क्या ऐसे आंसर निकालोगे बताओ, कहाँ पे बनाएं रियल इमेज? बड़ा सिंपल टॉपिक है अभी क्लास, जिनको मिरर याद नहीं है दोबारा से मिरर रिकॉल हो जाएगा अभी सारा। ये क्या था? ऑप्टिकल सेंटर, इट इज फोकस एफ, इट इज टू एफ, एफ ले लेते हैं बराबर मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, कर लोगे? जरूरी थोड़ी है बराबर भी हो सकते हैं भाई, इनका कोई यूज़ नहीं करना है मेरा, वो लिख दिया मैंने वैसे ही। कहाँ पर रखें ऑब्जेक्ट को कि रियल इमेज बने भी? ऐप से परे कहीं पर रख दो, कैसे बनेगी? रियल बनेगी भी, कहीं पर रख दो, यहाँ पर रख दें ऑब्जेक्ट ए बी, रूल्स के अकॉर्डिंग पहली जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास करेगी? फोकस से, दूसरी पास करवाओ ऑप्टिकल सेंटर से, इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड टू एफ, सही है, इट इज ए डैश बी डैश। इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे देते हैं, सी नहीं आया ना, सी देते हैं, सी पॉइंट है ये, ट्रायंगल बनाने के लिए किया है, ठीक है, हो गया। अगर आपको याद हो मिरर के लिए हमने फार्मूले किए थे अभी, मिरर फार्मूला, उसमें हमने यूज किए थे सिमिलर ट्रायंगल्स भी, यस और नो, और उन पॉइंटों की जो पॉइंट हम यूज़ कर रहे होते थे। यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट यूज़ कर रहे हैं इमेज बनाने के लिए हम लोग? एक तो एफ कर रहे हैं, ओके एक कौन सा कर रहे हैं? ओ कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर्स पे। तो ऐसी इमेज, ऐसी ट्रायंगल सेट कीजिए जिसमें दोनों पॉइंट आते होंगे,
मैं पहले ट्रायंगल्स यूज कर रहा हूं भी, इन द ट्रायंगल्स ए बी ओ एंड ट्रायंगल्स ए डैश बी डैश ओ, चेक करो भी एक बार, इन द ट्रायंगल्स ए बी ओ, दिस ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 का है, ये एंगल अपोजिट है, तो बराबर होने चाहिए। दो ट्रायंगल्स के दो एंगल बराबर हैं तो कौन सी हैं, सिमिलर ट्रायंगल हो सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं, उनके साइड रेशो भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यस और नो। तो लिख सकते हैं ए बी बाई ए डैश बी डैश इट इज इक्वल टू पी बी, पी है क्यों है, ओ बी बाई ओ बी डैश बी, सही लिखा है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर वे, सही है कि नहीं है, इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, इसका बेस भी रेशो बराबर होंगे भी, हो जाएगा। फिर हम ट्रायंगल्स यूज करते हैं भाई, कौन सी वाली ट्रायंगल्स, जिसमें एफ आया हुआ है, इन द ट्रायंगल सी ओ एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, दिख रही हैं कौन सी ट्रायंगल भाई, क्लास सी ओ एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 का है, और ये एंगल वाला एफ वाला एंगल अपोजिट है, सेम हो जाएंगे भी, कर लोगे, सिमिलर हैं, कैसे लिखोगे, सी ओ बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ बाई एफ बी डैश, चेक करो भी क्या बना, सही लिखा, सही है। अब देखिए सी ओ को क्या मैं ए भी ले सकता हूँ, यही तो है, सी ओ इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ बाई एफ बी डैश, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कहाँ चले गए सारे, मीटिंग है, अच्छा मीटिंग है क्या, बिना शोर हुए ऐसा लग रहा, पता नहीं क्या बढ़ गया ना भाई, हमसे लाइन मज़ा नहीं आता उसमें, फिर हो गया भाई। दोनों ट्रायंगल्स की लेफ्ट साइड चेक कीजिए अभी, सॉरी दोनों साइड इसकी बराबर हैं, लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड भी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कितना लिखोगे, ओ बी बाई ओ बी डैश, यहाँ पे लिख दूँ भाई ऊपर, दोनों ट्रायंगल्स को इसको साइड को देखो भाई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ओ बी बाई ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ बाई एफ बी डैश, सही है। आप देखिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग व्हाट इज ओबी, भी ओबी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, अभी ओबी डैश डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ओएफ फोकल लेंथ, व्हाट इज एफबी डैश पता नहीं क्या है, हमको तो वही पता है जो हमको पता होना चाहिए, यस और नो। तो इसको एफबी डैश को चेंज कर लेते हैं जिनको हमको पता है, अभी एफबी डैश को मैं क्या ले सकता हूं, ओबी डैश माइनस ओएफ लिख दें, ओबी डैश माइनस ओ एफ, पता है मेरा ओ बी डैश क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, अभी ओ एफ क्या फोकल लेंथ है, तो ओ बी इज ओ बी बाई ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ बाई ओ बी डैश माइनस ओ एफ, ठीक है, बाई यूजिंग साइन कन्वेंशंस भी करनी आएंगी, ओ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, यू लेते हैं भी, प्लस की माइनस लें, माइनस भी, ओ बी डैश डिस्टेंस ऑफ द इमेज वी लेते हैं, प्लस के लिए कि माइनस लें, प्लस का ओ एफ फोकल फोकल लेंथ होती है, एफ लेते हैं ना, प्लस का लें कि माइनस का लें, देख लो भाई देख लो, ओ एफ मैंने बोला कि जो यूज जिसमें से लाइट पास करेगी उसी का यूज करना भी, ओके तो ये वाला भी नहीं कि ये वाला भी, दो होते हैं इसलिए मैंने इनको बराबर लिखा हुआ है, तो आप कन्फ्यूज हो इस पॉइंट पे, ओके नहीं तो मैं लिख देता इसको एफ वन इसको एफ टू, ठीक है, तो हम बोल देते व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ एफ टू, दिक्कत नहीं थी इसमें तो, यस और नो, अब ओ एफ ये भी है और ओ एफ ये भी है, तो जो जिसमें से लाइट पास करेगी वही यूज करना है, तो प्लस का होगा भी, पुटिंग द वैल्यूज कर दें डायग्राम भाई, सोता हूँ भी, ओ बी क्या है माइनस यू वी, माइनस यू है ना, प्लस वी इज इक्वल टू ओ एफ क्या है,
प्लस एफ डिवाइड बाई ओ बी डैश प्लस वी माइनस एफ वी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आएगा, माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ वी। ओके, इस पूरी इक्वेशन को यू वी एफ से डिवाइड कर दूं, लिखो डिवाइडिंग बाई यू वी एफ, तो माइनस यू वी डिवाइड बाई यू वी एफ प्लस यू एफ डिवाइड बाई यू वी एफ इज इक्वल टू वी एफ डिवाइड बाई यू वी एफ। आप कैसे बोलोगे कि तो मर्जी से कर रहे हैं कुछ भी, पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया मैंने, किसी एक पॉइंट को डिवाइड नहीं किया अभी। अगर पूरी को करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन के ऊपर, उस बात का भी कर लोगे। कितना आएगा, माइनस वन बाई एफ वी प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई यू वी। सही लिखा है, तो मेरा लिख सकता हूँ इसको वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू। देख लो सही है कि नहीं है, फर्क है भाई, वहाँ प्लस था माइनस आ रहा है, समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर वर्चुअल इमेज इन कॉन्वेक्स लेंस, इमेज बड़ी बनेगी इसमें, ओ है एफ है, ये एफ है, ये जरूरत नहीं है इसकी, ये ए बी है भी, इट इज द ऑब्जेक्ट, फोकस करो से पास करवाइए। सेकंड मोड देते हैं, ठीक है भाई, यहाँ के तो मिलेगी नहीं कहीं, इनको पीछे मिलाओ, कहाँ मिल रही हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगी इमेज ए डैश बी डैश, ये पॉइंट क्या लिया था हम लोगों ने, सी सी देखिए क्लास, मैं ट्रायंगल्स यूज कर रहा हूं भाई, इन द ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ भी, इन द ट्रायंगल ए बी ओ एंड द ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ भाई, पहले ओ वाला यूज कर लेते हैं क्लास। देखिए ये 90 का एंगल है भाई, ये भी 90 का है, और ये एंगल कॉमन है दोनों में, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ये एंगल कॉमन है भाई क्लास, तो बराबर होना चाहिए, तो क्या लिखोगे, ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ बी डैश, क्या मैंने सही लिखा है, ये ट्रायंगल सिमिलर है भाई, तो साइड रेशियोज क्या होंगी, बराबर होंगी इनकी, सही है कि नहीं है। अब देखिए एफ के अकॉर्डिंग कौन कौन सी ट्रायंगल बन रही होंगे भी, सी ओ एफ एंड ए डैश बी डैश एफ वी, सही लिखा है, इन द ट्रायंगल्स ए क्या था सी ओ बी एफ वी एंड ट्रायंगल्स ए डैश बी डैश एफ वी, साइड रेशियो भी बराबर होनी चाहिए अभी, क्यों सिमिलर है भाई, 90 है, ये भी 90 है, एफ दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है, तो कितना आएगा, सी ओ डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ बाई बी डैश एफ, सही लिखा है, बी डैश एफ, अब तो आने चाहिए, सी ओ और ए बी बराबर है, सी ओ इज इक्वल टू ए बी, जिनको आते हो कर रहे हैं अपने आप, और बाकी मेरी बात देखना, मैं क्या लिखूंगा बोर्ड पे, ठीक है, सी ओ इज इक्वल टू ए बी, तो क्या लिखोगे, ए बी बाई ए डैश बी डैश, मैं तो कैमरे को पढ़ा रहा हूँ भाई, ओ एफ इज इक्वल टू बी डैश एफ, इक्वेशन सेकंड, कैमरे को बना लगी फिर थोड़ी बहुत, तो द फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में ये होता है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, ओ बी बाई ओ बी डैश इज इक्वल टू एफ बी डैश भी, बातें नहीं हो गया। अब एफ बी डैश जो है क्लास, एफ बी डैश को मैं लिख सकता हूं ओ बी डैश माइनस ओ एफ बी, कैसे लिखा है, बातें मत करो अभी, बहुत बातें कर ली मैंने, तुम बोर हो रहे थे इसलिए मैंने किया,
इतना कुछ। ओके ओ बी बाई ओ बी डैश ओ एफ बाई ओ बी डैश माइनस ओ एफ बी सही है क्या? गलत कर दिया भाई। गलत क्या हो गया? प्लस आएगा अभी ओ बी डैश आएगा। बिल्कुल सही बात है अभी, ये प्लस ही आएगा अभी। सही है यस और नो? सो तो नहीं रहे है ना? हो गया। व्हाट इज ओ बी? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यू प्लस के लिए माइनस का भी। ओ बी डैश डिस्टेंस ऑफ द इमेज माइनस का भी। ओ एफ इस तरफ वाला भी ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज भी क्या था? ओ बी था ना? माइनस यू बाई ओ बी डैश माइनस वी इज इक्वल टू ओ एफ कितना था भाई? प्लस एफ माइनस ओ बी डैश सही है। कैसे लिखा? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। प्लस क्या हो गए? यू एफ माइनस यू वी इज इक्वल टू वी एफ। ठीक है, डिवाइडिंग बाई यू वी एफ कर दूं। माइनस का ठीक नहीं है, ये वन बाई एफ होगा, वन बाई वी होगा भी। माइनस वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई यू। मेरा आंसर तो सेम आ रहा भाई, तो मैं सही हूँ। डायग्राम मान लो एक बार जल्दी से, कॉनकेव का देखिए क्या होगा। लेंस मेकर लेंस फार्मूला फॉर कॉनकेव लेंस भी कॉनकेव में से बनाएंगे। इट इज द ऑप्टिकल सेंटर ओ, ये एफ है, ये भी एफ है। यहाँ पर रखा ऑब्जेक्ट मैंने, ऑब्जेक्ट ए भी। लाइट गई, लाइट डाइवर्ज करेगी। आफ्टर डाइवर्जिंग इट अपीयर टू पास थ्रू द फोकस रूल के अकॉर्डिंग में। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि मिलेंगी उल्टी ले आएंगे तो बीम को। कर लोगे इस पॉइंट पे ए डैश बनेगा, नीचे बी डैश भी। सही लिखा है। इस पॉइंट को मैंने क्या लिया था? एम लिया था, सी सी यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल्स बनाएंगे। वही पॉइंट है, ट्रायंगल ओ के अकॉर्डिंग बनेंगे और एफ के अकॉर्डिंग बनाएंगे ट्रायंगल्स को भी। डायग्राम बना लो जल्दी से। इन द ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। सही लिखा है। देखो भाई ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 का। कौन सी ट्रायंगल यूज कर रहा हूँ? ए बी ओ, ए बी ओ दिस ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। वो तो कॉमन है भाई, सेम हो गया, दोनों 90 के हैं, बराबर हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं भाई। ए बी बाई ए, ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ बी डैश सॉरी ओ बी बाई ओ बी डैश। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन भी। एफ के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कौन कौन सी हैं भी? इन द ट्रायंगल्स सी ओ एफ, सी ओ एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ भी। सही है। सी ओ एफ भी, सी ओ एफ दिस ट्रायंगल भी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ क्या सिमिलर हैं? 90 है, 90 है, सी एफ कॉमन है इनमें भी, एंगल एफ कॉमन है। तो ये कैसे आएंगे? सी ओ बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ, ओ एफ बाई ओ बी डैश, ओ बी डैश सॉरी एफ के अकॉर्डिंग बन रहे हैं ना अभी। तो भी कैसे आएगा फिर? ओ तो आना चाहिए।
अच्छा ठीक है, ये ऑल्टरनेट है ना, ओ एफ पी, ओ एफ वाई बी डैस एफ पी, बी डैस एफ, सही है। जो सी ओ है वो ए बी के बराबर है, भी सी ओ इज इक्वल टू ए बी, तो मैं लिख सकता हूँ ए बी बाई ए डैस बी डैस इज इक्वल टू ओ एफ बाई बी डैस एफ वी, दिस इज द इक्वेशन सेकंड वी। दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट भी बराबर होनी चाहिए, तो क्या लिखोगे, ओ बी बाई ओ बी डैस इज इक्वल टू ओ एफ बाई क्या था, बी डैस एफ वी, बी डैस एफ। अब हमको पता नहीं है बी डैस एफ क्या है, अभी इसको चेंज कर सकते हो क्या, तो व्हाट इज बी डैस एफ वी, बी डैस एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्लास ओ एफ माइनस ओ बी डैस, ओ एफ माइनस ओ बी डैस, तो ओ बी बाई ओ बी डैस इज इक्वल टू ओ एफ डिवाइड बाई ओ एफ माइनस ओ बी डैस, सही लिखा है। ओके अब इसके अंदर व्हाट इज द ओ बी बाई यूजिंग साइन कन्वेंशंस, भी यू लेंगे प्लस का कि माइनस का, भी माइनस का भी, ओ बी डैस डिस्टेंस ऑफ द इमेज माइनस का भी, व्हाट इज ओ एफ फोकल लेंथ प्लस की माइनस भी, माइनस भी, इस तरह वाला यूज कर रहे हैं, जहाँ से लाइट बीम पास करी या अपीयर टू पास हो रही है भी वही यूज करना पॉइंट आपको हो जाएगा। कितना है भाई, माइनस यू बाई माइनस वी इज इक्वल टू माइनस एफ बाई माइनस एफ प्लस वी, सही लिखा है, माइनस काट दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें भी तो क्या आएगा, कितना होगा, माइनस यू एफ प्लस यू वी, यू वी इज इक्वल टू माइनस का वी एफ, सही है। डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाई यू वी एफ करो, यू एफ बाई यू वी एफ प्लस यू वी बाई यू वी एफ इज इक्वल टू माइनस वी एफ बाई यू वी एफ, कितना होगा, वन बाई एफ प्लस वन बाई, नहीं होगा भाई, ये कितना होगा, वन बाई वी, वी होगा ना, आंसर गलत नहीं आया कहीं, वन बाई एफ इज इक्वल टू माइनस वन बाई यू, तो वन बाई एफ बराबर अभी वन बाई वी माइनस वन बाई यू, सही है।